की पिटाई के बाद बवाल, गैर मुस्लिम ने की थी बच्चे की पिटाई, मारपीट में बच्चे के हाथ में आया फ्रैक्चर। मारपीट के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने की तोड़फोड़, घटना हौज काज की है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम बच्चे की पिटाई के बाद बवाल खड़ा हो गया है, गैर मुस्लिम ने की थी बच्चे की पिटाई, मारपीट में बच्चे के साथ के हाथ में फ्रैक्चर आया है, मारपीट के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़फोड़ की। आपको बता दें घटना हौसकास की, इस वक्त की बड़ी खबर, गैर मुस्लिम ने की बच्चे की पिटाई, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जब मारपीट में बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर आया है, मारपीट के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़फोड़ की है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, बता दें इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एक मुस्लिम बच्चे को पीटने का मामला सामने आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आकांक्षा जुड़ गई है दिल्ली से। आपको क्या कारण रहा एक मुस्लिम बच्चे को पीटने का? जी रोशनी, सामान्यतः खेल खेल में बच्चे आपस में खेलते हैं तो थोड़ी मारपीट होती है, यहाँ उसी मारपीट को इतनी बड़ी तौर से, इतने बड़े रूप से बढ़ा दिया गया। बात यह है कि कल अचानक से एक बच्चे के हाथ खेल में टूट गई, जिसकी वजह से वो उसने अपने घर पर जाकर कहा, और उसके बाद उसके घर के और आस पड़ोस के लोग मिलकर हिंदू कम्युनिटी में जाके कुछ तोड़फोड़ मचाने लगे। उसके बाद फिर वो मंदिरों में गए और वहां तोड़फोड़ मचाने लगे। यह इतना बृहत रूप ले लिया, इतने बृहत रूप में यह काफी बृहत हो गया ये, और अब इसको एक हिंसा, ये पूरी तरह से हिंसा का रूप ले चुका जी, है। बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम समाज इतना बौखला क्यों गया है? क्योंकि बच्चों की आपस में झगड़ा होता रहता है, लेकिन इतना बौखलाने का क्या कारण है? यही सोचने की बात है, इस विज्ञान के दौर में भी आज लोग जाति धर्म के नाम पे हिंसा करने को तुले हैं। अब वहां इतने रूप से, इतने बृहत रूप से ये घटना हो गई कि पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा, लगभग 20 से 25 पुलिस की गाड़ियां वहां पर आकर कर्फ्यू लगाई है। जी अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? अभी कुछ शांत किया गया है, पुलिस ने कुछ शांत किया है इस माहौल को, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ लोग अभी भी दिख रहे हैं यहाँ तोड़फोड़ मचाते, जो अब शांत हो चुके हैं पूरी तरह से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनमें वो रोष, वो चेहरे पे उनके वो दिख रहा है। जी प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसकी? और प्रशासन का यह कहना है अभी शांति रूप से इस जो भी सिचुएशन है उसको सुधारने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ देर में हम इसे कंट्रोल में कर लेंगे। अब जब मुस्लिम समुदाय इस चीज को आगे और बढ़ रही है लेकर के ऐसे, कहीं ना कहीं फिर हिंदू समुदाय जब इससे आगे जुड़ जाएंगे तो यह काफी बड़ी हिंसा का रूप ले सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है कि इस हिंसा को रोक दी जाए अच्छी तरह से। इसके कारण पुलिस प्रशासन काफी आगे बढ़ के अपना कार्य कर रही है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।